वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइज। आप देख रहे हैं थंडर व्हील्स इंडिया की एक और नई वीडियो। आज की ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स को लेकर है कि हम समर्स में अपनी कार को 45 डिग्री में, इस समर्स में अपनी कार को और अपने आप को ऑमलेट बनने से कैसे बचा सकते हैं। सो फर्स्ट ट्रिक आती है हमारी सी, अगर आपकी कार भी मेरी कार की तरह ऐसे ही ओपन पार्किंग में खड़ी रहती है और इसमें और अगर आपकी कार भी थोड़ा सा कम चलती है मेरी कार की तरह, तो अब समर्स में एक बहुत ही बेस्ट ट्रिक है इसके लिए, विच इज़ दैट कि आपने देखा होगा कि हमारी कार में ना ये डोर वाइज़र लगे होते हैं, तो ये लगाना भी मैंडेटरी होता है। अब वो किस लिए? क्योंकि समर्स में क्या होता है कि अब जैसे सपोज मैं अपनी कार को अभी खड़ा पार्क करके चला जाऊँगा, तो उस केस में अगर मैं शाम के टाइम आता हूँ तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब बैठने में प्रॉब्लम होती है और बहुत ज़्यादा हीट कंज्यूम कर लेती है हमारी कार। अब उसको हम सेव कर सकते हैं, विच इज़ दैट कि अगर हमने विंडो अपनी हल्की सी डाउन कर ली, लाइक मैंने इतनी डाउन कर ली है विंडो, ये तो ज़्यादा हो गई, हल्की सी इतनी मैंने डाउन कर ली। अब इससे होगा क्या, ये वाली विंडो मेरे को डाउन करनी है एक ड्राइवर साइड की, और एक इसके डायगनली विंडो डाउन करनी है, विच इज़ कि लेफ्ट हैंड साइड की विंडो, ये मैंने हल्की डाउन कर दी है। मैं दिखाता हूँ एक बार आपको, और ये आपको दिख रहा होगा, एक्चुअली ये इतना विजिबल होगा नहीं क्योंकि मैंने शेड्स लगा रखे हैं और ऊपर से कवर भी है, तो हल्की हल्की विंडो मैंने ये डाउन कर ली है। और ये डाउन करने के बाद अब होगा क्या कि आपको पता है कि हमारी कार में सबसे बड़ा हीट कंज्यूम करता है ये वाला पार्ट, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है ये वाला ग्लास, तो इससे हीट कंज्यूम हो जाती है कार के अंदर। और अगर हम ये वाली विंडो ओपन रखेंगे अपनी ड्राइवर साइड की और एक इसके डायगनली, तो होगा क्या कि हीट दोनों तरफ से पास होती रहेगी। ये तो हो गई एक ट्रिक, ठीक है। अब एक और ट्रिक है जो कि मैं फॉलो करता हूँ, विच इज़ दैट कि ये शेड्स बड़े ना काम देते हैं गर्मियों में। अब इनसे होता क्या है कि ये भी हमारे हीट अंदर आने से प्रोटेक्ट करते हैं अपनी कार को, और ये भी मैं लगा के रखता हूँ पार्किंग करते टाइम, मैं चारों साइड्स पे लगा के रखता हूँ इसको, आप देख ही रहे होंगे चारों विंडो पे लगे हुए हैं। बट हाँ, जब भी मैं रोड पे जाता हूँ या जब भी मैं बाहर ड्राइव करता हूँ तो फिर मैं दो साइड पे ही इसको लगा के रखता हूँ। अब इससे होता क्या है कि इसमें चलान का भी चांसेस होते हैं कि अगर हमने चारों प्रोटेक्ट कर रखी है विंडो अपनी, तो चलान का काफ़ी चांसेस बढ़ जाता है इसमें। तो ये अपने थोड़ा सा, मैं तो इसको रिकमेंड नहीं करता ड्राइविंग के टाइम पे। हाँ, बाकी मैंने काफ़ी देखा है रोड पे लोग चलाते हैं, तो ठीक है, अपना अपना है सबका, आप हटा भी सकते हो और आप लगा के भी चला सकते हो। बट हाँ, पीछे वाली विंडोज़ में मैं इसको हटाता नहीं हूँ क्योंकि थोड़ा सा प्राइवेसी भी अपने आप को चाहिए होती है पीछे की तरफ, अगर कोई को पैसेंजर्स पे बैठा है तो पैसेंजर साइड पे, तो उसको भी थोड़ा सा, क्योंकि लोग फिर अंदर झाँकते हैं ना, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो अगर ये वीडियो, बस इतनी सी वीडियो थी, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू सो मच गाइज़।